हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं? तो आ गया है सिमसिम से हमारा एक और प्रोडक्ट। हेलो, तो कैसे हो आप सभी लोग? एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, बहुत सारी मस्तियां करेंगे हम इस ब्लॉग में। और अभी मैं जब सो के उठा था तो सुबह सुबह मेरे फ़ोन पे मैसेज आ गया था सिमसिम से कोई प्रोडक्ट आ रहा है, और जब वो प्रोडक्ट आ जाएगा उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे हम, आपको दिखाएंगे आज क्या प्रोडक्ट आ रहा है हमारा, पूरा उसका रिव्यू देंगे और बहुत सारी आपको चीज़ें दिखाएंगे ब्लॉग में। चलते हैं आगे, मिलते हैं। तो थोड़ी बहुत देर में मैं नितिन के पास जाऊँगा, अपनी वीडियोज़ वगैरह शूट करेंगे हम, अपनी रील्स के लिए कॉमेडी वीडियो शूट करेंगे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना यार, उद्देश्य चौहान के नाम से मेरी आईडी है, मैं नीचे बायो में मेंशन कर दूंगा। और उसके बाद करते हैं हम अपने अनबॉक्सिंग। सैंडी, ओ सैंडी, ये मतलब इतनी शैतान है, इसे कितनी भी आवाज़ मान लो सुनेगी नहीं, और जब इसका मन होगा ना तो चुप अपने पास आके बैठ जाएगी, अपनी मन की मालिक है, मन करता है बॉल से खेलती है। तो गुस्सा इतना करती है ना, बस कसम से पता नहीं नस नस में इसकी गुस्सा भरा हुआ है। कोई इसकी कोई चीज़ ना ले तो अच्छा है, जब मन करता है जब खाना खाएगी, जब मन करेगा सो जाएगी, जब मन करेगा इधर उधर घूमेगी, मतलब बिल्कुल खतरनाक हो चुकी है। मतलब इसमें इतना गुस्सा भरा हुआ है ना, कसम से कह रहा हूँ आप इससे कोई भी चीज़ नहीं ले सकते इसकी। अगर आप ये बॉल से खेल रही, अगर आप इसकी बॉल लेने लगे तो बहुत ही ज़ोर से गुस्सा करेगी, भौंकने लगेगी, बहुत ही यार ख़तरनाक है। तो इससे तो बस पूछो मत, ना अपनी मर्जी की है, जब मन करता है सोती है, जब मन करता है खाना खाती है, और जब मन करता है अपनी भी बॉल से खेलती है, किसी को कोई चीज़ देती नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया था, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बस 10 या 5 मिनट में मैं निकल रहा हूँ स्कूटी लेके नितिन के पास, वहाँ जाके वीडियो वगैरह मैं शूट करके, और फिर आके वहाँ से मैं जो प्रोडक्ट आया है सिमसिम से उसे अनबॉक्स करेंगे, पूरा दिखाऊंगा उसका रिव्यू, क्या भेजा है, हर चीज़ बताऊंगा सारी उसके बारे में। चलो चलते हैं आगे। तो अब हम चल रहे हैं नितिन के घर, बिल्कुल तैयार हैं, अपनी स्कूटी खड़ी है ये देखो, यहाँ पे लिखवा रखा है ये छोटे वाले भाई ने, नो फार्मर नो फूड ठाकुर। ये हम निकल चुके हैं स्कूटी लेके अपनी नितिन के घर की तरफ, और नितिन के घर जाके नितिन को घर से उठाएंगे और फिर हम जाएंगे अपनी वीडियो शूट कर रहे हैं यार। पहले ना बिल्कुल ट्रैफिक नहीं रहता था, अब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहने लगा है, भीड़ भड़का रहता है, निकालने में भी स्कूटी या बाइक अपनी बहुत टाइम सा लग जाता है, जाम सा लग जाता है। छोटी सी सड़क है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, फिर भी यहाँ ट्रैफिक पता नहीं क्यों लग जाता है इतना, मतलब सड़क ज़्यादा चलती है ये वाली, क्यों धनौरा रोड पर ये वाली सड़क जा रही है, वो सीधे चौपले जा रही है, और NH24 पर वो मिल जाती है जाके, दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर मिल जाती है, इस वजह से शायद इस वजह से ट्रैफिक इस पर अब ज़्यादा रहने लगा। हमारे वंश भाई, हेलो बोलो। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। ये हमारे भाई राम सुंदर मंडल, झारखंडी है। पता नहीं इस आदमी के फोन कितने आते हैं, इतने फोन आते हैं, कितने बड़े इसके बिजनेस चल रहे हो, पर कुछ नहीं। ये जो हमारा भाई है ये झारखंड का है, झारखंड का रहने वाला है, यहाँ जॉब करता है, और अपना बहुत ही अच्छा ये दोस्त है, झारखंड का है। इसका पूरा नाम जो है ना वो है राम सुंदर मंडल। आपने एक बार सुना होगा रानू मंडल, जो एक बार फेमस हुई थी ना, इसकी सौतेली सास लगती है, ये साला मजे में कहता है। और ये सामने आप जो फुहारा देख रहे हो, ये हमारे गजरोला के निब्बी निब्बियाओं का ये सेल्फी पॉइंट है, या बहुत से लोग अपने यहाँ आके सेल्फी लेते हैं, इसके फ़ोटो खींचते हैं, पता नहीं जैसे कि गजरोला में क्या लग गया हो, ये फुहारा वो देख देख के ऐसे फ़ोटो खींचते हैं यार। अरे अरे अरे, अच्छा ATM की तरफ हैंडल मोड़ दिया स्कूटी का, इस आदमी की सैलरी आई है तो ATM से शायद कैश वगैरह निकालेगा। हमने ATM से कैश निकाल लिया है और राम सुंदराज दावत देने वाला है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, पर ये मना कर रहा है,
और स्कूटी लेके अब हम बहुत देर हो चुके घूमते घूमते घर से, बहुत देर हो, बहुत टाइम हो गया निकले पर नितिन के पास अभी तक नहीं पहुँचे। चलो फिर चलते हैं नितिन के पास और उसे उठाते हैं जल्दी से, यार बहुत टाइम हो गया, वीडियो भी शूट करनी है, घर जाके सिम सिम का जो प्रोडक्ट आया उसे भी अनबॉक्स करना है, उसका पूरा रिव्यू करना है, क्या सामान भेजा है। चलो तो चलते हैं यार। तो अब हम ये धीरे धीरे नितिन के घर की तरफ बढ़ते हुए, नितिन के घर के पास का रास्ता है, एक मोड़ ये आएगा और दूसरा मोड़ भी आने वाला है, इधर हम मुड़ जाएंगे और फिर हम थोड़ी देर में नितिन के घर लगभग पहुंचने ही वाले हैं। अगर साला सो रहा होगा ना तो दो थप्पड़ मार के उठाऊंगा, मैंने कहा था कि सोना मत, हो सकता है नींद बहुत आती है तो सो भी रहा हो, क्या पता, देखते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं नितिन के घर, बिल्कुल पहुंच चुके हैं। भैया रुक दो रुक दो रुक दो रुक दो, बस 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 मैं उतर जाता हूँ, चलते हूँ आगे। कहाँ है नितिन, नितिन आंटी नमस्ते, कहाँ है बाबू जी, कहाँ गया? मैं नितिन के घर गया था, नितिन पता नहीं कहाँ निकल गया, वीडियो शूट करने गया है, अब नितिन के पास ही जा रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको आगे का। हेलो ब्रो, हाउ यू? बढ़िया ब्रो, कैसे हो? बस आओ घूमने चले। नहीं यार घूम का हुआ, मैं अनुज भाई से मुलाकात कर लेते हैं। ये हमारे अनुज भाई, एपी साइबर कैफे, बहुत ही फर्जी आदमी, बहुत ही असली आदमी। अभी नितिन का फ़ोन आया था, कह रहा मैं अनुज भाई की दुकान पे आ रहा हूँ, मैंने इसलिए जाना कैंसिल कर दिया। तेल भी बहुत महंगा हो रहा है, 100 रुपये लीटर हो रहा है तेल तो। ये आदमी हिसाब उसाब लगा रहा है कुछ, इधर कोई ऑर्डर रिपोर्ट देख रहा है यार, हमेशा मुस्कुरा रहता है आदमी। पांच तीन कसैड़ी आ चुके हैं, छोटा भाई हमारा, तेरा पापा, गजब बेइज्जती है। नितिन भाई, नितिन भाई हेलो, नितिन भाई ये देखो कुछ पर्सनल मीटिंग चल रहे हैं तीनों। नितिन भाई यार वीडियो शूट करने चल रहे हैं यार भैया। अब हम चल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर, मतलब हम वीडियो शूट करने के लिए निकल चुके हैं सारे के सारे, और लोकेशन पर पहुंच के आपको वहाँ की लोकेशन दिखाते हैं और वहाँ वीडियो शूट करने के बाद घर निकलते हैं, घर जाके अपनी रिव्यू वीडियो बनाते हैं। लोकेशन में पहुंच चुके हैं और ये हमारे नितिन भाई, देखो स्कूटी अभी हमारी लाल थी, अब ये पुरानी स्कूटी हो गई है, लगा दो भाई पार्किंग पर लगा दो। अब हम यहाँ अपनी वीडियो शूट कर लेंगे, देखो कलर वगैरह सब अच्छी आ रही है, रील्स के लिए वीडियो शूट कर लेंगे अपनी। हेलो बोलो ब्रो, चलो वीडियो शूट करते हैं, आगे दिखाते हैं। तो ये ऋषभ और रामचंद्र भाई आ चुके हैं और हम अपनी वीडियो शूट कर लेते हैं, और वीडियो शूट करने के बाद आगे मैं घर जाऊंगा, उसके बाद प्रोडक्ट आ गया होगा जहाँ तक, उसके बाद मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा आपको, तब तक के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में। लो जी, तो हम कराए अपनी वीडियो शूट, रील्स की हम वीडियो शूट कराए हैं। पता है मैं, हम जो बनाते हैं अपना कॉमेडी कंटेंट बनाते हैं, हम रील्स पे वो नहीं बनाते लिपसिंग वाली, अपना कंटेंट बनाते हैं कॉमेडी वाला, और बहुत ही मज़ेदार
कंटेंट बनाते हैं तो यार इंस्टाग्राम पे जाके जरूर देखना हमारा कंटेंट, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, थोड़ी आपको हंसी वगैरह आएगी। और फॉलो कर लेना यार, लाइक कर लेना, और चैनल पे यार आप नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। और जो हमारा वो सिमसिम वाला प्रोडक्ट है वो भी आ चुका है, और मैं घर नहीं था, मैं वीडियो शूट करने गया था, तो वो प्रोडक्ट छोटे वाले भाई ने मेरे रिसीव कर लिया था, वरना आपको डिलीवरी वाले भैया से मिलवाता, हाँ जी कैसे प्रोडक्ट दे के गए हैं। तो चलो उसे करते हैं अनबॉक्स यार। तो आज सिमसिम वालों ने हमें भेजा है ये आईकॉन का कीपैड मोबाइल, ये ब्लैक कलर में है, बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही स्टाइलिश ये फ़ोन है। चलो देखते हैं इसके आगे फीचर्स क्या क्या हैं, क्या इसके अंदर बॉक्स में मिलता है। सबसे पहले आपको बॉक्स में मिल जाता है इसका मेन डिवाइस मतलब कि फ़ोन, फिर इसमें आपको एक चार्जर मिलेगा, एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है, और ये है इसकी बैटरी, और बैटरी को हम इसके फ़ोन में डालते हैं, पहले बैटरी निकाल के और फ़ोन को करते हैं पावर ऑन। जब तक ये पावर ऑन हो रहा है इसके मैं आपको फ़ीचर्स बता देता हूँ। बहुत ही अच्छा ये फ़ोन है, स्टाइलिश, ये बहुत ही स्टाइलिश फ़ोन है, ड्यूअल सिम है और इसके अंदर एक एसडी कार्ड लग जाता है, और बहुत ही ये प्यारा फ़ोन है, ब्लैक कलर में आपको मिल जाता है, वाइट कलर के बटन मिल जाते हैं। तो आज हमें सिमसिम वालों ने भेजा है ये कीपैड का आईकॉल का फ़ोन, आईकॉल कंपनी का ये फ़ोन है, बहुत ही स्टाइलिश सा और बहुत ही प्यारा ये हमारा फ़ोन है। मैं इसमें सिम वगैरह डाल लेता हूँ यूज़ करने के लिए, तो मिलते हैं अपने ब्लॉग में आगे। तो अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, टाइम हो चुका है 9 बज चुके हैं और मैं भूख लगी है बहुत ज़ोर से, खाना वगैरह खा के मैं फिर वीडियो एडिट करूँगा, अपना ब्लॉग एडिट करने के बाद फिर सो जाना है क्योंकि बहुत देर मेरे को नींद आ रही है। तो यार तब तक के लिए बाय, और लाइक करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।